तो यार गाइज आ गए आज आपके लिए एक और न्यू गेम प्ले की वीडियो के साथ। तो हाँ गाइज, यहाँ पे हम कूदते हैं ओल्ड वेजन पे, जहाँ में हम स्क्वाड के साथ खेल रहे थे। एक प्लेयर तो रैंडम ही था, मतलब ट्रिपल वर्सेस स्क्वाड ही था एक टाइप से, ऐसा समझ लो आप। तो थोड़ी देर बाद वो भी नहीं रहते, मतलब एक टाइप से हमारा डुओ वर्सेस स्क्वाड रहता है ये पूरा मैच। तो यहाँ पे हम ओल्ड वेजन पे आते हैं, तो हम गन्स वगैरह ढूंढते हैं। तो भाई यहाँ पे हमें कोई भी गन्स नहीं मिलती, क्योंकि बंदे यहाँ पे कूदते नहीं है। क्यों नहीं कहते वो मेरे को नहीं पता, क्योंकि या हो सकता है वो रैंक पुस्टर या ऐसे कुछ होगा, क्योंकि बंदे ओल्ड बेसिन में हॉट ड्रॉप्स चके में नहीं उतरे भाई, जबकि प्लेन यहीं से गुजरा। तो यहाँ पे मिलती है मेरे को क्रॉसबो, तो भाई जब पहली बार क्रॉसबो मिल जाए वो भी काफ़ी होती है। तो क्रॉसबो लेकर हम बाकी देखते हैं, तो कहाँ कुछ नहीं मिलता तो हम चले जाते हैं सीधा जहाँ पे हमें गाड़ी मिलती है। तो हम गाड़ी के पास जैसे जाते हैं, तो गाड़ी लेके हम आ जाते हैं इस तरफ, क्योंकि यहाँ पे दो बोट्स की फाइट चल रही थी, तो ये हमारे बहुत बेनिफिट था, क्योंकि इसके पास थी AKM। तो जस्ट इस बोट को मारने के बाद मैं दूसरे बोट को मारता हूँ, क्योंकि फ्री का किल है भाई, फ्री का किल क्यों छोड़े। तो यहाँ पे दूसरे बोट को भी पड़ता है यहाँ पे क्रॉसबो का शॉट, तो आपको पता है क्रॉसबो के डैमेज से तो बचना इम्पॉसिबल है। तो यहाँ से खास फिर लेते हैं हम AKM, ठीक है। इनको लूटने के बाद में तो इनको अच्छी खासी लूट मिल जाती है, इनके पास हमें AKM के एमओ मिल जाती है। पहले तो हमें AKM मिलती है, इनके पास कम एमओ थी, तो फिर इसके बाद हमें मिलते हैं यहाँ पे AKM की एमओ, मतलब अच्छी खासी मिल जाती है। एंड उसके बाद क्या ही सीन होता है वो देखना आपका इस, ठीक है। तो अब लूट वूट करके जैसे मैं ओल्ड बेसिन पे है, तो यहाँ से एक बग्गी गुजर रही थी जिसमें अकेला बंदा था, तो भाई अब गुजर रही थी तो हमारा भी उसको मारना भी तो जरूरी था। तो बग्गी वाले को देखो अब क्या क्या करता ही है, मतलब बग्गी वाला आगे आगे जा रहा है और तुम्हारा भाई उसके पीछे गाड़ी लेके, मतलब आज मारना तो मारना है। जस्ट ठान लेती कि मारना है और मारना ही है। मैंने सोचा यहाँ पे कुछ बंदे फाइट चल रही थी, मैंने सोचा यहाँ इसके बंदे होंगे इसलिए मेरे को यहाँ लेके आ रहा है, पर मैंने सोच लिया था चाहे जो मर्जी हो आज इसको मार के छोड़ेंगे। मतलब एक टाइप से जिद जाग गई थी, तो फिर भाई मतलब यहाँ पे मेरी गाड़ी हो जाती है स्लो और ये भागने लग जाता है, तो मेरे को लग जाता है पता कि ऊपर जा रहा है। मतलब यहाँ से ये बात कन्फर्म हो जाती है कि उसके बंदे टीममेट ऊपर ही है, इसलिए ऊपर ले जा रहा है मेरे को। तो कोई दिक्कत नहीं थी फिर भी, मतलब जैसे कैसे मैं चला ही गया। और तो इसके अब इसके साथ क्या ही होने वाला है आप खुद ही देख लो गाइस। तो मतलब गाइज यार क्या ही गंदा सीन हो गया ना इस बंदे के साथ, मैं कुछ नहीं बोल सकता। और यहाँ भी इसके टीममेट के मेरे को फुटस्टेप्स शो होते हैं, तो भाई अब उसको भी पेलना जरूरी था। तो उसको पेलने के लिए तो जस्ट मैं थोड़ी देर यहाँ पे हेल्थ वगैरह लाता हूँ, मतलब बैंडेज लगाना भी जरूरी था। बिना हेल्थ के जाता मैं तो यहाँ पे मेरे को भी खतरा हो सकता था, क्योंकि यहाँ पे एक और स्क्वाड आ चुका था, तो मतलब यहाँ पे बहुत खतरा हो चुका था। तो यहाँ पे मैं बैंडेज लगाता हूँ और सीधा अब घुस जाते हैं हम ऊपर। तो देखना क्या ही सीन होता है भाई, देखो खुद ही। तो मतलब देखो यार, मतलब किल चोरी भाई, सरासर सरेआम किल चोरी भाई, फुल डैमेज। लास्ट में एक गोली मारी किसी ने और किल चोरी करके निकल गया। और तब तक दूसरे जो दूसरी यहाँ पे थर्ड पार्टी हो जाती है जो मेरे को यहाँ पे नॉक कर देती है, तब तक मैं अपने टीममेट को बोलता हूँ भाई जल्दी यार मेरे को रिवाइव कर। तो जैसे मैं रिवाइव होकर ऊपर आता हूँ, पहले तो इनको बजाना जरूर था, तो इनको पहले हम नॉक करते हैं और इसको तो मैं पूरा फिनिश लेता हूँ। फिनिश लेने के बाद यहाँ पे बाकी को मेरा टीममेट फिनिश कर देता है, उसके बाद हम फिर से जोन के अंदर आते हैं और फिर से ओल्ड बेसिन पे भाई दो स्क्वाड आपस में लड़ ही रहे थे। तो यहाँ पे हमें बहुत अच्छा बेनिफिट था, क्योंकि दो स्क्वाड लड़ रहे थे तो थर्ड पार्टी बनने का, क्योंकि यहाँ पे अब पूरा डुओ वर्सेस स्क्वाड चल चुका था। तो मतलब अब क्या ही हम बंदों को बजाएंगे वो भी देखना, और कैसे कैसे मेरे किल कितने किल चोरी होंगे ना गाइस, खुद देखना है और बताना मेरे को कमेंट बॉक्स में कितने किल चोरी हुए। बस डैमेज तो मेरा सबसे ज़्यादा था इस गेम में, बहुत गंदा डैमेज दे रखा था मेरे बंदों को, पर बस हुआ इतना कि मेरे को किल नहीं मिले, किल तो मिले बट इतने नहीं, आधे से ज़्यादा किल मेरे चोरी हो रहे थे, जो मेरा टीममेट साथ में मेरे किल उड़ा ही जा रहा था। तो यहाँ पे मैं बंदे को फुल डैमेज देता हूँ, जस्ट 1 HP हो गई, 1 HP पे छूट गया। तो मेरा टीममेट ऊपर की तरफ जब निकल गया था, तो उसने उसको भी मार डाला, तो मतलब यहाँ पे मेरा सरासर किल गया। तो इसको मैं जैसे मारने लगा, इसको मेरे टीममेट ने उड़ा दिया, मतलब किल चोरी हद से ज़्यादा हुए यहाँ पे मेरे 2 से 3। तो यहाँ पे सबको निपटा दिया था, तो एक बंदा था जिसका मेरे को डाउट था कि इस तरफ होगा, मतलब उस तरफ फाइट हुई थी, तो ब्रिज के उस तरफ फाइट हो रही थी, मेरे को डाउट था कि उस तरफ बंदा है। तो मैं यहाँ स्कोप और जस्ट देखता हूँ, तो मेरे को एकदम मतलब ब्रिज के पास बंदा दिखता है, तो भाई छोड़ना तो नहीं चाहिए था। तो बस उसको निपटाने के बाद हम आ जाते हैं सीधे थर्ड हिल की तरफ, क्योंकि जोन आ रहा था। तो थर्ड के टॉप पे जो आपने घर देखा ही होगा, तो यहाँ पे हम जैसे ही आते हैं तो भाई अब देखना कि यहाँ पे एक बग्घी आती है, और बग्घी वाले के साथ क्या ही सीन होता है ना, खुद ही देख लो भाई। हाँ
तो गाइस भाई मतलब इस बात के लिए, इस स्किल के लिए एक सब्सक्राइब तो बनता है यार। अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, और स्ट्रीम पे चैनल पे न्यू होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। तो बस इनको निपटाने के बाद यहाँ पे एक और स्क्वाड आ जाता है, तो मतलब जोन क्लोज हो रहा था तो बंदों का आना लाजमी था। मैंने सोचा एक ही बंदा होगा, तो जस्ट मेरे को सामने एक और बंदा दिखता है और मैं बोलता हूँ भाई यहाँ तो मैं बहुत गलत फंस गया, अपने टीममेट को बोलता हूँ, तो जस्ट इसको तो मैंने नॉक कर ही लिया जैसे कैसे। तो अब मैं आगे घुस जाता, मैंने सोचा एक ही बंदा हो, दो ही बंदे होंगे ये, तो आगे जा के देखता हूँ तो भाई पूरा स्क्वाड, मतलब एक टाइप से मैं पीछे हट जाता हूँ कि भाई अब नहीं बचा मैं। तो यहाँ भी जैसे मेरे को पूरा स्क्वाड दिखता है और उनका डैमेज मेरे को एकदम, तो यहाँ भी ब्रिज था थोड़ा सा, तो रिज की वजह से मैं प्रॉन हो गया और बस इसका टीममेट आ गया वो। तो इसके टीममेट को हमने बजा दिया और बचा था लास्ट बंदा, तो मैं अपने टीममेट को बोलता हूँ तो घुस भाई, और जैसे वो घुसता है तो लास्ट बंदे को फुल डैमेज था और जो ऊपर से आ रहा था तो वो भी फिनिश हो जाता है। तो यहाँ पे हम 8 किल कर लेते हैं, एंड अब बचता है लास्ट बंदा, तो अब उसके साथ ही क्या ही होता है। मेरा टीममेट इतना मतलब सही खेल रहा था वैसे, पर मेरे किल भी उसने बहुत ही चोरी किए हैं, पर कोई दिक्कत नहीं, अपने टीममेट था। तो लास्ट बंदे को वो बजा डालता है, अब क्या ही सीन होता है ना। मतलब यहाँ पे हमें मिल जाता है विनर, विनर चिकन डिनर, जो हमारा तीसरा कि चौथा चिकन डिनर था कंटिन्यूसली। तो गाइस कैसा रहेगा आज का गेम प्ले तो जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और अच्छा लगा हो तो लाइक करें, एंड चैनल पर नहीं होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड मिलते हैं अपने नेक्स्ट वाले गेम प्ले के वीडियो के साथ। तो बाय बाय गाइस, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय गाइस।